अली फुला सरदार की ये अमानत है, फुला सरदार का इतना पैसा है, फुला सरदार का इतना कपड़ा है, ये सामान उनको पहुंचा देना और पहुंचाने के बाद आप भी मदीना आ जाना। हजरत अली से किसी ने पूछा, अली एक बात बताओ, आपकी सारी जिंदगी में सबसे अच्छी रात, सुकून की रात, जो आपने नींद भर कर सोया हो, कौन सी रात थी जो सबसे ज्यादा रातों में आपको अच्छी रात लगी? यकीनन हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने फरमाया, मेरी इस पूरी जिंदगी की जितनी भी रातें हैं, सब रातों में सबसे अच्छी रात हिजरत वाली रात थी। लोगों ने कहा, अली वो रात तो खतरे की रात थी, डरने की रात थी, दुश्मन नंगी तलवार लिए बाहर खड़े थे, आपने अपनी आंखों से देखा, फिर वो रात पुरसुकून रात कैसे बन गई, फिर वो रात में आपको नींद कैसे आ गई? हजरत अली ने फरमाया, मुझे मेरे रब की कसम है, वही एक रात है जिस रात मैंने अब नींद भर करके सोया है। लोगों ने कहा, वो कैसे? हजरत अली फरमाने लगे, ऐ लोगों, मेरे नबी ने ये कहा के अली सुबह होते ही ये अमानतें उनको दे देना और तुम मदीना आ जाना। मुझे यकीन हो गया था कि मदीने में पहुंचने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी, इसीलिए कि मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी ने कहा है जब तक मैं मदीना नहीं पहुंचूंगा मौत मुझे नहीं आ सकती। अल्लाह की कसम, क्या ईमान है, क्या अकीदा है, क्या यकीन है कि हजरत अली ये फरमा रहे हैं, तलवार के साए में मुझे नींद आई इसीलिए कि मेरे नबी का फरमान था। और हुआ, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुलाया, अल्लाह के नबी अब निकल गए, निकले और जब दुश्मन छलांग लगा कर आए, कुम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद खड़े हो जा, उठो। हजरत अली ने चादर हटाई, अबू जहल ने देखा ये तो मोहम्मद नहीं, अली है, अली है। अब हजरत अली को देखकर अबू जहल हैरान, परेशान, सरगर्दान हो गया, जिसको मैंने मोहम्मद समझा वो तो अली है। अबू जहल ने पूछा, अली मोहम्मद कहां गए, मोहम्मद कहां है? अब हजरत अली है, खुदा के वली है, अली झूठ नहीं बोलते, अली तकिया नहीं करते, अली को झूठ भी नहीं बोलना है और नबी का राज भी नहीं बताना है।